गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड और शुभम कुमार आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक बहुत दिनों बाद लेकर आया हूँ इट्स न्यूज पे। तो आप सभी का वेलकम है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप मेरे आने वाले सारे वीडियोज के साथ अपडेट रहोगे। और मैं आप लोगों को आज आउटपुट एंड कंट्रोल यूनिट के बारे में बताने वाला हूँ कंप्यूटर के। सबसे पहले तो मैं आपको बता कि कंप्यूटर का आउटपुट क्या होता है। बेसिकली आउटपुट जब हम लोग करते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है। जी हाँ, वो कंप्यूटर के सारे डेटा को आउटपुट करता है और उसका एक आंसर देता है। जैसे हम लोग 2 + 2 = 4 देखते हैं, यानी कि 2 हमारा जो होता है इनपुट डेटा होता है, और उसमें प्लस भी हम लोग इनपुट करते हैं और 2 भी, और जो आउटपुट में आता है वो हमारा बेसिकली 4 आंसर होता है, वो हमारा आउटपुट होता है 4। तो ये सारी चीज इस तरह से हमें कंप्यूटर में प्रोसेस होती है। तो जो भी प्रोसेस हमें मिलते हैं वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट डिस्प्ले होते हैं, और वो कुछ आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर होते हैं, प्रिंटर होते हैं। मॉनिटर से हम डायरेक्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने आउटपुट के बारे में लिखा है तो ये आपके लिए एक आउटपुट हो गया। और प्रिंटर पे अगर मैं पेज में प्रिंट कर लूँ तो वो हमारे लिए हो गया है। तो ये सारी चीजें होती हैं आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट मिलने वाली चीजें। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो होता है सारे डेटा को बाइनरी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, इट मीन्स कि 0 और 1, और उस 0 और 1 के एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें उसी फॉर्म में प्रोसेस भी करता है, और प्रोसेस करने के साथ ही उन सारी चीजों को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज के ही आउटपुट में, और उसके बाद उसका रिजल्ट भी उसी तरह आता है। बट हमें उसे डायरेक्टली यूजर को नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से हम सारी डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और तब यूजर्स को दिखाते हैं। तो ये है हमारे आउटपुट डिवाइस की और आउटपुट के बारे में, कंप्यूटर के आउटपुट के बारे में जानकारी। आइए बढ़ते हैं आगे हमारे कंट्रोल यूनिट के आगे। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल यूनिट बेसिकली हमारे कंप्यूटर के ब्रेन से जुड़ा हुआ है, उसे हम नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। ये कंप्यूटर के हर सेक्शन को मैनेज करता है और उस पर कंट्रोल करता है कि कौन सा सिस्टम और कैसे काम करेगा, या फिर कौन सा प्रोसेस कब कैसे कहाँ काम करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि कंट्रोल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शंस भी देता है और साथ ही साथ ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, और स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब पे ये परफॉर्मेंस अपना मतलब परफॉर्म करता है। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं नोट में कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के साथ मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के भी के लिए कॉम्बिनेशन का काम करता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि सीपीयू जो होता है एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, सीपीयू जो है हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये आप भी जानते हो, और एएलयू जो होता है कंपैरिजन पे वर्क करता है, यानी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल। लॉजिक आप कहाँ से लगा सकते हो, विदाउट कंपैरिजन आप लॉजिक लगा नहीं सकते, तो इसलिए कंपैरिजन करोगे तभी आपकी लॉजिक होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीजें हमारे लॉजिकल होते हैं जिसपे काम करते हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं, उनसे जो होते हैं ग्रेटर या स्मॉल, तो उसके आउटपुट को निकाल के फिर अपने स्टोर में स्टोरेज करते हैं। तो लगभग मतलब मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल यूनिट जो होता है इनपुट आउटपुट और स्टोरेज पे काम करता है। तो ये चीजें थी आपको कंप्यूटर के आउटपुट एंड कंट्रोल यूनिट के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, और साथ ही साथ मेरे वीडियो भी कमेंट भी करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।